दिस इज लोंडा फैशन वीक। लोन हो या डोन हो, सब मिलेगा लोंडा फैशन वीक में। सेल है लोंडा फैशन वीक में, सेल लगी है भाई। हम आ रहे हैं लोंडा फैशन वीक में, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आज टीवी पर देखिए लोंडा फैशन वीक आज सुबह अली सलमान के साथ, पीर से जुम्मा सुबह 9 बजे सिर्फ आज न्यूज पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। किरण हमारे साथ है। किरण ये बताएं कि आपने मॉर्निंग शोज पे एक इतना जबरदस्त आके एंडोर्समेंट किया, पता जी सडनली डिसअपीयर्ड, व्हाई? अच्छी बात है ना, अच्छी यादें छोड़ के गई मैं, बिल्कुल पीक पर आकर छोड़ा मैंने। जो आपने छोड़ी वो अच्छी यादें थी। अच्छी यादें, अच्छा ठीक है, बट व्हाई? आई ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया मॉर्निंग शो, बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया। मैंने जब मॉर्निंग पर्सन, I am a very morning person, मैं जल्दी उठ जाती हूँ। I am also a very morning person, सुबह की शीशा देखता हूँ तो मैं बहुत मौन करता हूँ। मैंने तो स्कूल में पढ़ाया हुआ है for 7 years, यहाँ मैंने 7 महीने काम किया, लेकिन my issue was not getting up early in the morning, I wasn't enjoying my work. Why not? I think because maybe, I don't know. I could be wrong, because were you sharing? I was sharing what? Sharing the show. Yes, definitely. वो फहद के साथ नहीं, ब्राजील पाकिस्तान जॉइंट वेंचर था ये ना। बात ये है कि अगर पता है अगर इनको अकेले दिया जाए कोई नहीं, 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 ये तो हो सकता है कि इनकी बहुत शौक ज्यादा हो और वो उसको अपने फॉर्मेट से अपने तरीके नहीं नहीं ये बात भी नहीं है। कई दफा ये हो जाता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है थोड़ा बहुत। मेरा ज्वाइन करने का रीजन यही था कि इससे कुछ मामला गड़बड़ हो सकता है। सोलो अगर कोई कर रहा हो ना, जैसे तुम करते हो, यू आर वो, मैं आमिर खान को तुम्हारे से नीचे समझता हूँ। बेचारा आमिर खान, बेचारा आमिर खान, राजू भाई वो एक दफा मैंने गलती से उसका यूट्यूब पे देख लिया था, तो मैंने कहा अच्छा ये कुछ इंटरेस्टिंग बात कर रहा है। उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, हमारा अली इससे कहीं, फिर मैंने आई रॉट अ ब्लॉग और फूल के फट जाऊंगा। फटने की बात नहीं है यार, नो फटने की, मैंने तुमसे, अच्छा एक सेकंड मैंने तुमसे कहा था मुझे अपने शो में बुलाओ। नहीं नहीं, मैं कुछ, बाय गॉड बी वेरी ट्रू, आई एम ऑनेस्ट। राजू मैं वो नहीं कह रहा भाई, मैं इसके ऊपर वापस आ रहा हूँ, बिकॉज देखें मेरी जो फुफियाँ बाकी मॉर्निंग शोज कर रही हैं, जो मतलब मेरे से उम्र में छोटी है, लेकिन मैं उनको जान के प्यार से फुफो कहता हूँ, शी वॉज अ वेरी वेलकमिंग चेंज, बट देन यू शुड हैव कंटिन्यूड दैट, बिकॉज पीपल, आई हैव एक्चुअली सीन, आई केम टू योर शो, आई गॉट अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक, मुझे बहुत, मेरी पूरी टीम मेरे पीछे थी कि क्यों नहीं, क्यों छोड़ रही हो। इट्स जस्ट दैट कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, और मुझे ये कोई पहली बार ऑफर नहीं आया था, मुझे कई बार ऑफर आया, हम टीवी से ऑफर आया, मैंने नहीं किया। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हाई आई डिड वाज के फहद था मेरे साथ, मैंने कहा चलो एक को होस्ट होगा तो को होस्ट होता है तो एक थोड़ा सा आपका काम बढ़ जाता है। सनी टोनियो की बात कर रहे हैं? हाँ जी 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 जी। तो लेकिन मुझे खुद मज़ा नहीं आया, वही चीज़ें, वही बातचीत, बिकॉज बेसिकली पर्सनली आई एम नॉट अ वेरी टॉकेटिव पर्सन। और दिनों रात पाकिस्तान इनकी तरह हर कोई नहीं, पाकिस्तान के ब्राज़ील से ताल्लुकात खराब होने में किरण का वो जो छोड़ना था, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे ब्राज़ील से सफारती ताल्लुकात रवाबत दोबारा हो और मैं ब्राज़ील जाके बीचेस को एंजॉय कर सकूं, मैराडोना आके हमारे यहां लियारी में कोच करे। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? नहीं अब आप उसको ब्राज़ीलियन, उसमें स्पेनिश में बोले ना। नहीं नहीं, वो क्या बोल, पुर्तगाली बोलते हैं ब्राज़ील में? अब नहीं, वो पुर्तगाली। राजू भाई, हाउ डज इट फील टू बी द सन ऑफ, आई कॉल हिम हिज एक्सीलेंसी मिस्टर जमीलुद्दीन अली, बिकॉज हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इंतज़ार करते हैं मोइन अख्तर साहब जैसी ट्रेजेडी का, या लियाकत सोल्जर भी मेरे लिए बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, मुनव्वर ज़रीर साहब भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, दिलदार परवेज़ भट्टी, ये वो लोग हैं जो तारीख में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। हम इन लोगों को ट्रिब्यूट, इज्जत और इनका सही मकाम देना कब सीखेंगे? जमीलुद्दीन अली साहब मेरे लिए अगेन इज़ एन इंस्पिरेशन। हाउ डज़ इट फील टू बी द सन ऑफ एन एक्सीलेंसी लाइक मिस्टर जमीलुद्दीन अली? बिफोर आई एक्सप्रेस माय थॉट्स अबाउट हिम, हिज सन, आई लाइक टू मेंशन टू थिंग्स विच इज़ नॉट रेलिवेंट टू हिम। वन इज़ दी, अभी इंतकाल हुआ 4-5 दिन पहले ज़मान अली ख़ान का। जी ही वॉज दी पायनियर ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन। करेक्ट। ही वॉज दी फर्स्ट ऑफ दी प्रोड्यूसर्स, सीनियर प्रोड्यूसर, प्रोग्राम मैनेजर, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर। आई वॉज सो टॉन्ड, सो पेन्ड, मुझे तकलीफ हुई, आंखों में मेरे आंसू आ गए कि PTV ने एक टिकट तक नहीं चलाया और उसके ऊपर ऑबिचुरी प्रोग्राम नहीं किया, जिस आदमी ने PTV शुरू किया था विद असलम अजहर। असलम अजहर इज द मेंटोर। एब्सोल्युटली। एंड टुडे दूसरा, आज बड़ा अफसोस हुआ हबीबुल्ला बेग का, उबैद जिनको, हबीबुल्ला बेग जिनका सलाम, हबीबुल्ला जी, उबैद भाई का,
जो कसौटी के एक हमारे एक यू नो ही वाज लाइक एवरीबॉडी यूज्ड टू लुक अपॉन हिम लाइक दिस कि ही वुड 20 सवालों में वो हर चीज पूछ लेते थे और उसके अलावा उनके बहुत फतवाहत हैं कि वो ही वेंट अप टू द पोजीशन ऑफ कंट्रोलर एट पीटीवी. आज ही सुबह अभी बल्कि हम आपके मेकअप रूम में बैठे थे तो टिकर देखा तो दिल टूट गया और बहुत ही गम हुआ. अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला सब पे रहम करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत के फिरदौस में मुकाम अता करे. वो और उनकी बेगम दो बहुत ही बड़े आर्टिस्ट थे पाकिस्तान टेलीविज़न की, बेगम सलमा असर साहिबा और वो खुद भाई अभी हम कहते थे इफ्तिखार आ रहे, वो और कुरैशपुर तीनों एक जान एक कल मतलब कसौटी के प्रोग्राम के. अल्लाह ताला उन्हें जन्नत के फिरदौस में मुकाम अता करे. कमिंग बैक टू माई फादर, ऑफकोर्स आई एम ए सन, आई मीन एवरी no son would ever say my father has these deficiency or that deficiency, nobody would say, but I would like to say yaar main ye kehna chahta hu agar abbu dekh rahe hain ke abbu mujhe allah taala ne 14 august ko shayad isliye paida kiya tha ki main pakistan 1949 mein ki main pakistan ke sath ek apna naam munsalik rakhu. 14 august meri tareekh e paidaish aur shayad isliye कि मैं आपकी औलाद हूँ, जमीलुद्दीन आली की औलाद हूँ. ये मेरे लिए एजाज़ नहीं है, ये मेरे लिए अल्लाह ताला ने सब कुछ मुझे जो दुनिया में दिया है वो आपकी मोहब्बत और अम्मी मेरी वालदा तैयबा बानो की मोहब्बत कि जो उन्होंने मुझे जैसे आपकी तरह आप मेरे माँ और बाप की तरह हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए क्या सोचता है करता है चाहता है. आपने जो चाहा मैंने कोशिश की कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँ और आपका मुकाम अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ा दिया है पाकिस्तान में अबू, तो हमें आप पे बहुत बड़ा बहुत फख्र है एज अ नेशन. किरण और उनका एक शेर जल्दी जब वो अब रिटायर हो गए ही ऑफ एज माशाल्लाह थोड़ा सा कमज़ोर तबीयत उनकी यू नो ही पेस मेकर एंड ऑल दैट. एक उनका शेर है जो उनकी इनिंग्स जो उन्होंने बहुत बड़ी खेली थी उसको डिफाइन करता है. पहुँच के मंजिल जाना पे हम बिखर से गए किसी थके हुए सालारे कारवां की तरह. हाँ हाँ ये उनका एंडिंग था किसी थके हुए. अब आप इसी शेर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें. पहुंच के मंजिल पे बिखर से गए. आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन आई स्प्रेड इनटू पीसेस. व्हेन आई रीच माय डेस्टिनेशन आई सॉर्ट ऑफ बिखरोफाइड इनटू पीसेस. आई सॉर्ट ऑफ फेल्ट टॉर्मेंटेड इनटू पीसेस. Out, broken into pieces. That I have finally reached my destination. I have conquered what I wanted to do. अच्छा अब आप एक शेर सुना दीजिए जो किरण खान को define करता यहाँ इस वाले कैमरे में. शेर और शायरी में सुना दे सब कहते हैं. शेर और शायरी से मुझे इस वक्त याद नहीं आएगा लेकिन जो किरण को define करता है उसको मैं बता सकती हूँ. Go ahead with it. जर्मन सुना दें. इंग्लिश है, टेनिसन है, यूगोस्लावियन सुना दें. बहुत बहुत बड़े बड़े हैं. क्या सुनाऊं मैं आपको? रूमी सुनाऊं मैं? हां रूमी सुना दें. जो रूमी व्हाई नॉट. इससे पहले कि मैं शो एंड कर दूं जल्दी से रूमी साहब को सुना दें. मुझे थोड़ा बहुत कुछ याद है कि आई एम सो क्लोज टू यू येट सो आई मे लुक डिस्टेंट. आई एम सो much mixed into you. I may look separate. I am so out in the open yet so hidden and silent because constantly in my mind I am talking to you. Great. मैं खुदा की कसम आज मुझे एहसास हुआ कि काश मैंने बचपन में अंग्रेजी की क्लासें बंक ना की होती तो मैं भी राजू भाई की तरह दिल की गहराइयों से कहता ग्रेट. पर राजू जी उसी ग्रेट हो सर. नहीं सर, यू आर लाइक ब्रूक ऑफ लॉर्ड टेनिसन. वो जी वो भी स्लिप लाइक स्लाइड आई ग्लूम आई ग्लांस आई लिंगर ओवर द वैली आई मेक द नेटेड सनबीम डांस अमंग द स्किमिंग शैलो फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई वुड गो ऑन फॉर एवर एज अ कंपेयर अली सलमान. इसके बाद चिरागों में रोशनी दे किरण. थैंक यू वेरी मच. मे गॉड ब्लेस यू एंड मे गॉड लेट यू अचीव ऑल दैट यू डिजायर इन लाइफ. आज सुबह अंग्रेजी में याद किया था. राजू भाई तुसी ग्रेट हो सर. मैं तो ज्यादा कुछ भी नहीं कह सकता भाई. साथियों अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इट्स अ वीकेंड. अपना अपने पड़ोसियों का क्योंकि आप नहीं रखेंगे तो मुझे वीकेंड को और भी काम है किसी और करना पड़ेगा. थैंक यू वेरी मच. सी यू नेक्स्ट वीक एट लंडा फैशन वीक. एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम. ये जो आप